हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। इस कड़ी में जहां चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं पार्टी बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। दरअसल मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे दुख है कि आजादी विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी हमारे तरकश में कई तीर हैं और हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। 3-3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं, जिसमें नायब सैनी मनोहर लाल नरेंद्र मोदी जी जो पल पल की खबर रखते हैं और इसका इलाज भी जानते हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और लोग बड़ी बेताबी से 25 मई का इंतजार कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का रोड मैप मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस दौरान अनिल विज ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन बिना इंजन की गाड़ी है, ये कहीं जा नहीं सकती है, वहीं की वहीं खड़ी है, और भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जिसके सरताज है वो आगे बढ़ेगी। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3-3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, लोगों ने मन बना रखा है, बड़ी बेताबी से 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सपने हैं उनको पूरा करने का जो रोड मैप है वो केवल मोदी जी के पास है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। और बाकी तो ये जो ईडी गठबंधन है ये बिना इंजन की गाड़ी है, ये वही चेंटिंग करती रहती है, ये जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, ये वहीं की वहीं खड़ी है और ये वहीं खड़ी रहेगी। भाजपा की गाड़ी नरेंद्र मोदी जी के जिसके सरताज है वो आगे बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करेंगे। अब ये देखिए कोर्ट का मामला है और कोर्ट इसमें क्या करता है ये कोर्ट के। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।